हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भावना की रसोई। आज की रेसिपी है हमारी फ्राई राइस, जिसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है और बाकी की तैयारियां हमने करके रखी है। अब हम गैस में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अगर आप घी डालना चाहें, आपको पसंद हो घी, तो आप घी भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, उसे हल्का सा जला लेना। अब हमने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन की छोटी छोटी बारीक कटी हुई कलियाँ डालेंगे। जब ये हल्का सा रेड हो जाएगा, तभी हमें अपना प्रोसेस आगे करना है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज अगर आपको पसंद है तो आप प्याज की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब हमें इसे भी हल्का सा ब्राउन कर लेना है। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हमने दो हरी मिर्च इसमें कटी हुई डाली हैं। अब हम इसमें अपनी सारी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स डालेंगे। पत्ता गोभी डालेंगे, गाजर, शिमला मिर्च, अगर आपको बीन्स पसंद है तो आप बीन्स भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जिससे कि हल्की सी स्टीम हो जाए। दो मिनट बाद हम खोल के देख लेंगे, हमारी वेजिटेबल्स हल्की सी स्टीम हो गई है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, नहीं तो फ्राई राइस में स्वाद नहीं आएगा। इसमें हल्की सी वेजिटेबल्स कच्ची ही अच्छी लगती हैं। अभी हमारे राइस है जो हमने पहले से ही बना के रख लिए थे, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ये हमारा चिंग का फ्राई राइस मसाला है। इसको डालने से इसमें बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। हम इसे फ्राई राइस मसाला डाल के अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जो हमारी थोड़ी बहुत चावल की गुठलियाँ वो बिल्कुल फूट जाएं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इस तरह से हमारे फ्राई राइस बनके रेडी हो गए। अब आप इसे एंजॉय करिए। थैंक यू।